डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को कब सर्जरी करवानी चाहिए और कब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, कब तक ये लेना चाहिए? तो ये कॉमन क्वेश्चन है सभी लोगों का जिनको लो बैक पेन या सियाटिका होता है, क्योंकि हर्निएटेड डिस्क वालों को MRI तो करवाई जाती है, और जब MRI करवाई जाती है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डिस्क बाहर आती है, तो लोग कहते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह से डराया जाता है। अब मैं आपको क्लियर करूंगा ऐसे 5 पॉइंट्स जिसमें हमें सर्जरी करवानी चाहिए और किस कंडीशन में सर्जरी हमें अवॉइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को स्लिप डिस्क हो गया तो उसका सिर्फ सर्जरी ट्रीटमेंट है, किस कंडीशन में सर्जरी होती है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहली बात, तो डिस्क बल्ज वाले पेशेंट को डरना बिल्कुल नहीं है, काम रहना है। अगर आप डॉक्टर को दिखाने भी जाते हैं, अगर उन्होंने सर्जरी एडवाइस कर भी दिया, तो इसने घबरा नहीं जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है जब आप घबरा जाते हो, आपकी फैमिली भी घबरा जाती है। वो मेरा यही मोटिव है कि आप घबराएं नहीं, पहली बात। दूसरी, मैंने एक कॉडा इक्विना सिंड्रोम एक वीडियो बनाया था, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स बताए थे जिसमें हमें पक्का सर्जरी करवानी ही करवानी होती है, उसमें किसी से पूछना नहीं है। उसमें पहली कंडीशन होती है जब हमारा यूरिन का कंट्रोल, हमारा कॉडा इक्विना सिंड्रोम में इतना कंप्रेशन हो जाती है, यूरिन का कंट्रोल, टॉयलेट का कंट्रोल हमें नहीं रहता, एक तो ये कंडीशन है। सेकेंड हमारा है कि हमारा फुट ड्रॉप होने लगता है, हमारा जो पैर है वो हम ऊपर नहीं उठा सकते, यानी कि हम अपने टोज पे और अपनी एडी पे नहीं चल सकते। थर्ड कंडीशन होती है प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड बिल्कुल नंब हो जाना, नमनेस आ जाना। और फोर्थ कंडीशन थी हमारी कि हम चप्पल पहनते हैं फिर भी वो हमें पता नहीं लगता, इतना हमारा पैर जो है वो नंब हो चुका है, हमें चप्पल भी पहननी पता नहीं लगती। ये 4 कंडीशन में तो सर्जरी मस्ट होती है। अब आपने MRI सबने करवाया होता है, हर्निएटेड डिस्क वालों ने, जिन्होंने नहीं करवाया उनको भी बता दूंगा कि किस तरह से हमें देखना है। आपने क्या करना है, जब MRI आप करवाते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया होता है, स्टिनोसिस एक वर्ड होता है, कैनाल स्टिनोसिस, फोरामिनल स्टिनोसिस। अब इसमें स्टिनोसिस में क्या होता है, आपका ना डायामीटर मेंशन किया जाता है, स्पाइनल कैनाल स्टिनोसिस, AP कैनाल डायामीटर मेंशन किया जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर किसी का डिस्क बल्ज है तो हम लेते हैं जो 10 मिलीमीटर है, अगर 10 मिलीमीटर है और उससे ऊपर है फिर तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उसमें भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ये वाले जो मैंने बताए हैं, उसका रीज़न हो सकता है आपका फोरामिनल कैनाल का स्टिनोसिस हो सकता है, और हमारा जो लेटरल रिसेस है उसका स्टिनोसिस हो सकता है, नर्व वहाँ पे भी प्रेस हो सकती है। तो इसमें जो कैनाल, आपको सिम्टम्स के साथ मैच करते जाना है। सेकंड, 10 से अगर कम हो रहा है, 7, 8, 9 भी है तो भी काम चलता है, पर जब ये 5 से कम हो जाता है तो आपने क्या करना है, आपने 2 महीने के लिए, अगर आपको जो मैंने सिम्टम मेंशन किए हैं, इसलिए मैंने पहले मेंशन कर दिए थे, वीडियो तो आप देख ही लोगे, मैंने मेंशन इसलिए कर दिए थे कि अगर आपको 5 से कम आपका डायमीटर हो चुका है तो ये कंडीशन होती है सर्जरी के लिए, आपको सिम्टम है या नहीं है। पर अगर आप एक ट्राई देना चाहते हैं बिना सर्जरी के, क्योंकि आपका जो 5 मिलीमीटर से कम है, एक तो आपको दिख रहा है MRI में, तो हमेशा ब्रेन में स्ट्राइक करता रहेगा, माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, यार मुझे तो प्रॉब्लम है, अगर मैं निकलवा लूँ तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और जल्दी सोल्यूशन चाहिए तो आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं 5 मिलीमीटर, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे भी तो ये थोड़ा सा और बढ़ सकता है, 6 हो सकता है 7 हो सकता है, पर 5 में आपको अगर सिम्टम्स आ रहे हैं फिर तो पक्का सर्जरी करवा लो, अगर नहीं आ रहे तो 2 महीने आप सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले लो, मेडिसिन, एक्सरसाइज करिए। अगर आपको 5, 4, 3 इस तरह से डायमीटर आपका लिखा हुआ है तो आपको पता तो है ही है कि प्रॉब्लम है, फिर भी अगर आपके सिम्टम अभी तक नहीं आए हैं तो आप 2 महीने ट्राई दीजिए। अगर 2 महीने में हमें 30-40% रिलीफ नहीं मिलता एक्सरसाइज से, तो बिना कुछ सोचे समझे सर्जरी के लिए चले जाइए, क्योंकि अब एक्सरसाइज से रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने 2-3 महीने दे दिए हैं और रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नर्व ज़्यादा प्रेस हो रही है, और अगर और प्रेस होती गई तो फिर रिवर्सल इसका जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए स्पाइन सर्जन से, ऑर्थो सर्जन से, न्यूरो सर्जन से मिलिए, और ये डायमीटर जो है इसको बढ़ाने के लिए आप अपना जो डिस्क का माइक्रो डिसेक्टमी, TLIF, जो भी सर्जरी वो चाहते हैं, अगर 1 लेवल पे है तो माइक्रो डिसेक्टमी हो जाएगा, अगर 2 लेवल पे है तो लेमिनेक्टमी भी हो सकता है, TLIF भी हो सकता है, तो वो सर्जन डिसाइड करेंगे, तो वो सर्जरी आप करवा लीजिए, इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं है।